दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखो नरेंद्र में आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ बेहतरीन ईडियम जिसके दम पे आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने वाले हैं यानी कि आप अपनी अंग्रेजी को फ्लैंट बनाने वाले हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला एडियम है ओवर द मून ओवर द मून इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली हैप्पी यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना सेंटेंस है इस पेज मोहिनी वॉज ओवर द मून वन ही आक्स्ट मैरी टू हिम यानि कि मोहिनी क्या थी बहुत ज़्यादा खुश थी जब उसने उससे शादी के लिए पूछा तो ओवर द मून यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना एक्सट्रीमली हैप्पी जैसे कभी आपने कोई नया मोबाइल खरीद लिया तो उस टाइम भी हम बहुत खुश रहते हैं ओवर द मून जैसे हमने नई बाइक खरीद ली या कोई गाड़ी खरीद ली उस समय भी हम बहुत खुश रहते हैं ओवर द मून हमारी जॉब लगी उस समय भी हम बहुत खुश रहते हैं ओवर द मून आप यूज़ कर सकते हैं अगला फ्रेजल वर्फ है जंपिंग द गन जंपिंग द गन इसका मीनिंग है दोस्तों स्टार्टिंग या डूइंग समथिंग अर्ली यानी किसी काम को जल्दी शुरू कर देना जंपिंग द गन का मतलब क्या है किसी काम को जल्दी शुरू कर देना बहुत जल्दी जिस सेंटेंस है यहाँ पे सोहन रेली जंप द गन विथ हिज़ न्यू जॉब यानी कि सोहन ने अपनी न्यू जॉब क्या कर दी बहुत ही अर्ली शुरू कर दी यानी बिना कुछ सोचे समझे हो सकता उसने क्या कर दिया न्यू जॉब अपनी क्या कर दी शुरू कर दी तो सोहन रियली जंप द गन विथ हिज़ न्यू जॉब अगला फ्रेजल वर्प है आप, अगला सॉरी ईडियम है यहाँ पे अ ड्रॉप इन द ओशियन अ ड्रॉप इन द ओशियन ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग मच बिगर यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है टेन लाख डोनेशन इज़ जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन मैंने आपने किसी चीज़ के लिए डोनेशन किया और जो टेन लाख डोनेशन है ना बहुत कम है उस काम को करने के लिए इनकी बहुत ही ज़्यादा कम है उस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की लगने वाले हैं पैसे की ज़रूरत है लेकिन हमने टेन लाख किया तो वहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं क्या कि टेन लाख डोनेशन इज़ जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन यानी कि किसी काम को करने के लिए बहुत छोटी अमाउंट देना जबकि उस काम को करने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट लगे जिससे हम कहते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा तो यूज कर सकते हैं आप ड्रॉप इन द ओशन अगला आइडियम है यहाँ पे एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स यानी कि, कि किसी चीज़ को बोलने से बेहतर है उसको करना यानी कि इट्स बेटर टू तो एक्चुअली डू समथिंग इट्स बेटर टू एक्चुअली डू समथिंग रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट इट यानी किसी चीज़ के बारे में केवल बात करने से अच्छा है कि उसको आप करें एक सेंटेंस है टीम इंडिया इज नॉट एक्सपेक्टेड टू विन बट दे बिलीव एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स यानी कि जो टीम इंडिया है उससे हमने जीत की जो है एक्सपेक्ट नहीं की थी बट वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं करने में यानी कि कहते हैं ना कथनी से ज़्यादा करनी में विश्वास करते हैं तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स अगला एरियम हमारा इट्स अ स्मॉल वर्ड इट्स अ स्मॉल वर्ड इसका मीनिंग है मीटिंग समवन यू वुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति से मिल जाना जिससे हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हो सकता हमारे बचपन का दोस्त हो हम कहीं साथ पढ़ते हों लेकिन बाद में हमारे क्या हो गए सिटी चेंज हो गई स्कूल चेंज हो गया और हमें लंबे अरसे बात मिल रहे हैं तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं इट्स अ स्मॉल वर्ड यानी कि बहुत छोटी दुनिया इस पर एक सेंटेंस है इट्स अ स्मॉल वर्ड इट वॉज़ गुड टू सी हर इन मुंबई यानी कि बहुत छोटी दुनिया है हमने क्या किया इट वॉज़ गुड टू सी यानी कि मुझे उसे देख अच्छा लगा कहाँ मुंबई में यानी कि वो जो है उस व्यक्ति से काफ़ी समय बाद मिला है मुंबई में तो इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड यानी कि बहुत छोटी दुनिया है भाई अगला एडियम है बाइट माई टंग बाइट माई टंग कि फोर्स योर सेल्फ नॉट टू से समथिंग इसका मीनिंग क्या हो गया कि अपने आप को फोर्स करना कुछ कहने से यानी कि कुछ कहने वाले हैं आप और आपने अपने आप को रोक के रखा है बाइट माई टंग इडियम आप यूज़ कर सकते हैं जिस एक सेंटेंस है वैन ही सेट ही वॉज़ द बेस्ट ऑन द टीम यानी कि जब उसने कहा कि वह हाँ टीम में क्या है बेस्ट है आई जस्ट बिट माई टंग यानी कि मैंने अपने आप को क्या किया कुछ कहने से रोका या फिर कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए किसी पर और आप वहाँ पे भी अपने आप को क्या कर रहे हैं कुछ कहने से रोक रहे हैं आप यूज़ कर सकते हैं बाइट माई टंग अगला एडियम है कट टू द चेस कट टू द चेस इसका मीनिंग है लीव आउट ऑल द अननेसेसरी डिटेल एंड जस्ट गेट टू द पॉइंट यानि कि सारी अननेसेसरी डिटेल को छोड़ के हम क्या कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं यानी कि कट टू द चेस का मीनिंग क्या हो गया कि पॉइंट टू पॉइंट बात करना फालतू चीजें हटा के सेंटेंस से कम ऑन कट टू द चेस वी हैट ऑल डे यानि कि जल्दी करो कट टू द चेस यानी कि जो अननेसेसरी डिटेल है उसे हटाओ हमारे पास पूरा दिन नहीं है तो बात करते क्या पॉइंट टू पॉइंट कट टू द चेस अगला आइडिया में फाउंड माई फीट फाउंड माई फीट इसका मीनिंग है टू बी टू बिकम कंफर्टेबल इन वट आर यू डूइंग यानी कि जो आप कर रहे हो उसमें क्या होना कंफर्टेबल होना यानी कि जो आप कर रहे हो ना उसमें आपको खुशी मिल रही है कुछ ऐसा काम आप कर रहे हो तो आप यूज़ कर सकते हैं फाउंड माई फीट जिस सेंटेंस है यहाँ पे इट वॉज़ डिफ़िकल्ट वेन आई मूव टू अनदर सिटी बट आई इवेंचुअली फाउंड माई फीट यानी कि अब काफ़ी मुश्किल था जब मैं किसी अदर सिटी में क्या हुआ शिफ्ट हुआ या मूव हुआ बट इवेंचुअली अब मुझे क्या मिल चुका है फाउंड माई फीट यानी कि मुझे एक कम्फर्टेबल जगह मिल चुकी है जहाँ पे मैं काम कर सकूँ अगला आइडिया में दोस्तों यहाँ पे गो द एक्स्ट्रा माइल गो द एक्स्ट्रा माइल इसका मीनिंग होता है टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट यानी किसी काम को आप कर रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे सी इज वेरी नाइस पर्सन वो बहुत अच्छी है एंड सी इज़ यहाँ पे सी होगा सी इज़ ऑलवेज विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प अदर इनके दोस्तों सी इज वेरी नाइस पर्सन यो बहुत अच्छी है एंड ही सी इज़ ऑलवेज विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प अदर यानी कि वो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा क्या करती है एक्स्ट्रा एफर्ट करती है तो गो द एक्स्ट्रा माइल का मीनिंग क्या हो गया एक्स्ट्रा एफर्ट करना चलो दोस्तों हमारा आज का आखिरी डियम है रूल ऑफ थम रूल ऑफ थम इसका मीनिंग हो गया प्रिंसिपल दैट इज स्ट्रिक्टली कैप टू यानी कि एक ऐसा नियम जिसे हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम उसको नहीं तोड़ते हैं। एक ऐसा सिद्धांत है सेंटेंस है एज अ रूल ऑफ थम आई डोंट वर्क एट वीकेंड यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वीकेंड पर क्या नहीं करता काम नहीं करता आई स्पेंड द टाइम विद माई फैमिली पूरा समय किसके साथ व्यतीत करता हूँ अपनी फैमिली के साथ तो रूल ऑफ थम का मीनिंग हो गया यहाँ पे प्रिंसिपल दैट इज स्ट्रिक्ट कैप्टन की कुछ ऐसा जो आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं अपनी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए कैसी भी परिस्थितियाँ हो जाए तो ऐसे तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एडियम अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू हैव अ गुड डे